भाई ये क्या फॉर्म फिल करा रहे हैं, वैसे मेरा टाइम इतना वेस्ट होगा ट्रैफिक में और क्या फॉर्म फिल करना पड़ रहा है। भाई हमने खोला है अपना रोजा तो हम लोग अभी वॉशरूम में आए हैं वजू करने के लिए। यहाँ से फटाफट से वजू करके हम लोग जाते हैं बाहर, क्योंकि 10 से 15 मिनट में अजान हो जाएगी मगरिब की और हमने अपना रोजा खोलना होगा। ऐसा है कि भाई हमने नफिल भाई ये बिल्ली को पानी पीना है तो इसको हम लोग पानी पिलाते हैं यार, ऐसे करते हैं कि ये ऐसे पिएगी, पीना चाहिए पीना चाहिए। ओ भाई माश, अरे मैं गिर गया। ओए होए डॉक्टर से मिल के आ जाते हैं और क्या ही है, तो यार सोचा कि इसके साथ साथ ब्लॉग ही बना लेंगे और देख लेंगे क्या मसला होता है। तो यार चलो चलते इसके साथ साथ हमें ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। भाई पेट्रोल शेट्रोल भरा लेते हैं, भाई लैला को भी पेट्रोल की जरूरत होगी, फिर इसको भगाते हैं हम लोग। शाम के टाइम का यही मसला है, निकले निकले पूरी की पूरी ट्रैफिक जाम होती है यार। भाई लैला को हमने यहाँ पे पार्क कर दिया क्योंकि हॉस्टल के अंदर बाइक पार्किंग नहीं है। भाई हॉस्टल यहाँ पे सामने ही है तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं, बाइक को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। भाई लैला तो मैं इंतजार करो, हम लोग आते हैं डॉक्टर के पास जाके आते हैं फिर बाइक को ले लेते हैं यार। ये देखो भाई यहाँ पर बाइक पार्क करना हमें नहीं मिला, सारी की सारी यहाँ पार्किंग जो है कार की है, टू व्हीलर की नहीं है। यहाँ से लेके वहाँ तक भाई सारी कार पार्क है, बाइक पार्किंग नहीं है तो हमने बाइक बाहर ही पार्क करनी पड़ी। डॉक्टर प्रभु देसाई भाई ये क्या फॉर्म फिल करा रहे हैं, वैसे मेरा टाइम इतना वेस्ट होगा ट्रैफिक में और क्या फॉर्म फिल करना पड़ रहा है। बस भाई ये हमारी पेमेंट वगैरह हो चुकी, फाइल बन चुकी, अभी हम लोग जाते सीधे डॉक्टर के पास। यहाँ पर भाई लाइन लगी हुई, इन सबके बाद नंबर है हमारा। भाई हमने खोला है अपना रोजा तो हम लोग अभी वॉशरूम में आए हैं वजू करने के लिए। यहाँ से फटाफट से वजू करके हम लोग जाते हैं बाहर, क्योंकि 10 से 15 मिनट में अजान हो जाएगी मगरिब की और हमने अपना रोजा खोलना होगा। ऐसा है कि भाई हमने नफिल रोजा रखा हुआ था किसी चीज के लिए, तो उसी की भाई इफ्तारी करेंगे हम लोग। तो हॉस्पिटल में बहुत टाइम लग जाएगा, यहाँ से बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा, तो हम लोग हॉस्पिटल में ही बैठ के रोजा खोल लेंगे। अपने साथ हमने कोई चीज लाई है उठाएंगे और वो रोजा खोल लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं यार कहीं पे जाके अच्छे से हम लोग अफतारी करेंगे। अफतारी तो मतलब वही जो लेकर आया उसी से करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बाहर जाके कहीं और बाद में खाएंगे कुछ। तो ये ड्राई फ्रूट्स हमने लाया है इफ्तारी के लिए। डॉक्टर के पास लगी बहुत ज्यादा टाइम क्योंकि हमसे पहले पर 17-18 लोग हैं, तो उसके बाद हम जाएंगे डॉक्टर के पास। तो अभी हम लोग ऐसा करते हैं कैफेटेरिया पे आके हमने अच्छे से खा पी लेते हैं, अपने रोजा रखा था भाई तो उसकी इफ्तार कर लेते हैं, फिर नीचे जाएंगे डॉक्टर के पास हम लोग। यहाँ भी भाई लाइन लगी हुई है, पर भाई यहाँ मुझे कोई टेबल फ्री नजर नहीं आ रहा, भाई कोई टेबल खाली है ही नहीं यार, कहाँ बैठेंगे। भाई ब्राउनी और सैंडविच है तो यहाँ से सैंडविच ले लेते हैं। भाई बहुत टाइम वेट करने के बाद बड़ी मुश्किल से एक टेबल मिला है हमको, तो फटाफट से खाते और नीचे जाते हैं। भाई देखो ऐसा है कि यार हम लोग ऊपर से नीचे आए और डॉक्टर के असिस्टेंट से बात करें कि मैम कितना टाइम लगेगा, और तो मैम ने बोला 1 घंटे लगेंगे आपको मैक्स टू मैक्स। तो मैंने बोला यार मैम एक काम करते हैं आप मेरी फाइल रख लो, मेरे को 1 घंटे लगेंगे ना, मैं जाता हूँ बाहर और अपनी मगरिब की नमाज पढ़ के वापस आता हूँ, फिर उसके बाद डॉक्टर से मिल लेंगे, है ना, ऐसे मेरी नमाज भी कज़ा नहीं होगी और टाइम भी बच जाएगा थोड़ा सा, मेरा काम भी हो जाएगा। तो मैंने बोले ओके सर, तो फाइल हमने रख दी है मैडम के पास और बाहर हम लोग आ चुके हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो नमाज पढ़िए फटाफट से हम लोग जाते हैं वापस से डॉक्टर के पास और वेट करते हैं भाई, देखते हैं भाई नमाज पढ़ के जाएंगे डॉक्टर मिलेंगे कि फिर और 1 घंटा लगाएंगे, क्योंकि पेशेंट तो बहुत है भाई। भाई ये बिल्ली को पानी पीना है तो इसको हम लोग पानी पिलाते हैं यार, ऐसे करते हैं कि ये ऐसे पिएगी, पीना चाहिए पीना चाहिए। ओ भाई माशाल्लाह भाई पी रही है ये तो यार, चलो सही है भाई, इसकी प्यास बुझ जाएगी यार। मैंने देखा पानी पीना चाहती तो हमने पिला देते भाई पानी। यार मैंने नमाज कम्प्लीट करी, बच्चे इतना शोर मचा रहे कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरा बचपन याद आ गया भाई, ऐसे ही हम भी जाया करते थे और अरबी पढ़ते थे भाई, और ये बच्चा तो अभी बहुत मार खाया है भाई। बेइज्जती हो गई हमारी, बाहर गेट पे हमको रुका लिया सिक्योरिटी ने और बोला कि कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला अंदर डॉक्टर के पास हमारा अपॉइंटमेंट है, तो उन्होंने बोला कि अच्छा फाइल वाइल कहाँ है, मैंने बोला फाइल तो असिस्टेंट के पास ही है वहाँ पर ही है, तो उन्होंने बोला पेशेंट कौन है, मैंने बोला मैं पेशेंट हूँ, तो मुझे देख के हंसने लग गए, बोले तुम पेशेंट हो तुम तो अच्छे खासे भले दिख रहे हो भाई, मैंने बोला ये देखो भाई अम्मी ने जबरदस्ती हमको बेच दिया यार, गजब बेइज्जती है। अब मेरे को बता दो अभी भी हो सकता है क्या, नहीं पर अभी नहीं कराना अभी चालू। ये देखो भाई पूरा का पूरा हॉस्पिटल खाली हो चुका है क्योंकि रात के 11 बज चुके हैं भाई, 11 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। ये देखो भाई लैला हमारी यहाँ खड़े खड़े थक गई होगी, भाई हमारा कितना इंतजार किया होगा इसने यार, कितना टाइम बाद हम लोग यहाँ पर आए यार, पर माशाल्लाह भाई बाइक हमारी सेफ है यहाँ पे, तो यहाँ से हमने फटाफट से निकलते हैं जाते हैं अपने दोस्तों के पास। भाई उनके भी इतने फोन आए ना क्या ही बताए आप लोगों को यार, मतलब फोन के पेंसी कहाँ हो, मिलो 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 मिलो,
मैंने बोला भाई देखो तुम्हारा भाई हॉस्टल में है। बोले क्या हो गया, तबीयत खराब? मैंने नहीं तबीयत नहीं खराब है, बस अम्मी ने भेज दिया था भाई, हम आ गए यहाँ पे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर से मिल के आते हैं। तो यहाँ से हम लोग हो चुके हैं फारिक, अभी हम लोग यहाँ से निकल के सीधा जाएंगे अपने दोस्तों से मिलेंगे और केक शेक कट करेंगे भाई, क्योंकि हमारे दोस्त जा रहे हैं दुबई। दुबई जा रहे हैं यार, हमको छोड़ के, तो जरा उनसे मिलने जा रहे हैं, कल की इनकी फ्लाइट है, तो आज मिल लेते हैं, बात याद कर लेते हैं यार, फिर पता नहीं कब मिले। चलो 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 भाई, ओए 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 ओए, ये भाई एक सेकंड ना, अरे न्यूटन पे जा, चले गए भाई। तो यहाँ से भाई हम लोग कोई चॉकलेट को एक अच्छा सा उठा लेते, इतनी सारी वैरायटी, पर सबसे बेस्ट होगा भाई चॉकलेट किट, वही उठाते हम लोग। ओए 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 ताहिर भाई, हम लोग चिल्ला नहीं सकते भाई, रात के 1 बज रहे तो शोर शराब हो जाएगा। मैम ने कुछ बोल नहीं सकते भाई, क्योंकि रात के 1 बज रहे, पूरी सोसाइटी वाले जाग जाएंगे ना, केस हो जाएगा हमारे ऊपर, तो हमारे बच्चों खुशी खुशी दुबई जाने दो।